हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे ब्रेड से चीला, जो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए ब्रेड से चीला बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ब्रेड से चीला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जार लिया है, साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 5 ब्रेड ली है। ये व्हाइट ब्रेड है। अब हम इस ब्रेड को तोड़कर ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। तो यहाँ पर मुझे 5 ब्रेड ज्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 ब्रेड का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें 3 चम्मच सूजी ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 चम्मच सूजी ऐड कर दी है, साथ ही साथ मैं यहाँ पर 4 से 5 हरी मिर्च इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैंने यहाँ पर उसी छोटी कटोरी के नाप से दही लिया है, ये 2 चम्मच दही है। दही को भी हम इसमें ऐड कर देंगे और उसी कटोरी की नाप से मैंने इसमें पानी कर दिया है। अब हम जार का ढक्कन बंद करके इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे एक बड़े बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटर हमारा एकदम पतला नहीं है, ये हल्का सा थिक है। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, साथ ही साथ मैं इसमें 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच चाट मसाला इसमें ऐड कर दूंगी। अब हम इस चीले को हेल्दी बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी सब्जियां ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 गाजर, 1 शिमला मिर्च, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 प्याज को बारीक बारीक चॉप करके रख लिया है। अब हम सबसे पहले इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, शिमला मिर्च, गाजर और अनियन को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मुझे सब्जियाँ थोड़ी ज़्यादा लग रही थी तो मैंने इसे थोड़ा सा बचा लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल लेंगे और हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैं इसे एक बार मिक्स कर लूँगी। तो मिक्स करने के बाद यहाँ पर जो मैंने वेजिटेबल्स कटी हुई बचाकर रखी हुई थी उनको भी मैं ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने सारी कटी हुई वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर दी हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे मिक्स कर लिया है और बैटर हमारा एकदम तैयार है। हमें बैटर को एकदम पतला नहीं करना है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस में। तो मैंने यहाँ पर गैस पर एक पैन गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम पैन को ऑयल से चारों तरफ से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब हम 1 बड़ा चम्मच बैटर लेंगे और बैटर को पैन में अच्छे से पतला पतला चारों तरफ गोलाई में फैला देंगे। इसे हम चीले का शेप दे देंगे। तो यहाँ पर मैं मीडियम साइज के चीले बना रही हूँ, आप चाहें तो थोड़े बड़े या छोटे चीले भी बना सकते हैं। अब हम इसके ऊपर 1 चम्मच ऑयल डालेंगे और इसे ढककर 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और एक तरफ से चीला हमारा अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे पलटकर दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। पलटने के बाद हमें इसके ऊपर हल्का सा ऑयल डालना है जिससे कि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। अब हम इसे ढककर 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर हमारा चीला दोनों तरफ से अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम दूसरा चीला भी बनाकर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये दोनों तरफ से अच्छे से पक चुका है। अब मैं यहाँ पर दूसरा चीला बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फिर से 1 चम्मच भर के बैटर लिया है और इसे हम अच्छे से फैला देंगे। चीले को चारों तरफ से अच्छे से गोलाई में फैलाने के बाद अब हम इसके ऊपर हल्का सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसे ढककर 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। 2 मिनट बाद हम इसे पलट देंगे।
पलटने के बाद दूसरी तरफ से भी हल्का सा ऑयल लगा देंगे और इसे ढककर फिर से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। 2 मिनट बाद हमें इसे चेक करना है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा चीला भी बनकर एकदम तैयार है। दोनों तरफ से ये अच्छे से पक चुका है। इसी तरह से हम सारे चीले बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे चीले बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसे मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। आप देख सकते हैं ये एकदम सॉफ्ट बने हैं और ये चीले बनाना बहुत आसान है। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। आप इसमें अपनी पसंद के अनुसार कोई भी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप भी इस आसान रेसिपी को बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।